don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update from Off Screen of Stars. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयां उड़ गई, सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लगे। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहां वहां कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज कर। कंगना रनौत बॉलीवुड के वो एक्ट्रेस हैं जो कभी किसी से नहीं डरती और जो भी उन्हें लगता है वो फील करती हैं वो लोगों के मुंह पे बोलती हैं। हाल ही में कंगना रनौत की रिलीज हुई मणिकर्णिका सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पे भी मूवी अच्छा खासा कमाल कर रही है। लेकिन कंगना रनौत की मूवी हो और कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाल ही में कंगना रनौत को पूछा गया कि बाकी मूवीज जैसे उनके मूवी मणिकर्णिका को बाकी एक्टर्स बॉलीवुड में क्यों प्रमोट नहीं कर रहे, क्यों उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं रहे, तो इसी बात पे कंगना ने कहा कि अब वो सबको एक्सपोज करेंगी। उसके बाद कंगना ने ये बात एक रिपोर्टर और एक इंटरव्यू में शेयर करी कि उन्होंने आलिया भट्ट को पर्सनली कॉल किया और उन्हें कहा कि तुम्हें क्यों ऐसे लगता है कि मणिकर्णिका की कंट्रोवर्सी मेरी अपनी कंट्रोवर्सी है, ये एक मूवी है जिसको सारे भारतीय देख रहे हैं और सारे सहार भी रहे हैं, तो अगर तुम हमेशा मुझे बोलती हो कि एम्पावरमेंट और अच्छी कोई मूवी को सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा करती हूँ, अगर तुम अब मेरी मूवी देखने के लिए इतना डर क्यों रही हो, तुम वुमेन एम्पावरमेंट को सहारा क्यों नहीं दे रही, तुम क्यों बोल नहीं रही हो उस मूवी के लिए, अगर तुम नहीं बोल रही तो तुम करण जौहर की पपेट हो, तुम्हारा सक्सेस कोई काम का नहीं, तुम बस पैसे बनाने में लगी हो और तुम मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो। वेल, कंगना रनौत ने ये बातें आलिया भट्ट को फ़ोन पे कही और आलिया भट्ट ने भी पब्लिकली उनसे सॉरी मांगी। अगर कंगना को लगता है कि आलिया ने उन्हें हर्ट किया है तो आलिया ने उनसे सॉरी भी मांगी। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच बॉलीवुड।